जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे और मारपीट हुई, जिसके कारण आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल जहानाबाद में कराया जा रहा है, जबकि एक महिला जो गंभीर रूप से घायल है उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH भेजा गया है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। को लेके विवाद हुआ, हमारा चाचा लोग से पहले बंटवारा हुआ था जमीन, तो हम लोग उसमें इंदिरा आवास हमारा माई को मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें काम लग रहा था, तो किसी उसमें जब काम लगा तो दूसरे आदमी का वो जमीन निकल गया। वो आदमी कहा कि ये प्लॉट मेरा है, तुम इसमें क्यों बना रहा है? तो हम कहे कि ठीक है, अमीन दिया करके नपवा के जो उन्होंने नापी करवाया तो उसी का हो गया। तो हम अपना ही जो हमारा पटीदार है उनसे हम जा करके उनको भेजे, जिसका जमीन पहले था उनसे कि यहाँ गया कल नापी के लिए बुलाने के लिए 10 बार, लेकिन ये लोग कोई नहीं आए, कोई भी नहीं आए। तो फिर सुबह सुबह उन लोग कहा कि ऐसा करो कि ग्रामीण बैठा करके आपस में मीटिंग करके तुम्हारा न्याय हम लोग दिला देंगे। तो हम पूरे गांव को बुला खबर कर रहे थे, इनको पास भी खबर करवाए, हम अपना माए को भेजे कि आप जा करके उनको बोलो कि समाज में आ करके अपना बात कहेंगे, हमारा अधिकार जो है से हमको देंगे। इसी पर हमारा माए गई दुआरे पर और लाठी या भाला पिस्तौल से हमको मार के बाता फाड़ दिया है और कहता है कि आग लगा के जला देंगे तुम्हारा, हमारा घर झोपड़ी वाला है सर। पहले दो को लेडीज के मार मारा है, महिला लोग मार कर लेडीज को मारा है। ये जमीन विवाद कितने दिनों से चल रहा है? ये जमीन विवाद पिछले 6 महीने से, वही नहीं सर, हमारे घर के आगे सरकारी जमीन है, उसको ये लोग बरियरी ताकत से दखल करना चाहता है, तो हम विवाद उसको हम रोक रखे हैं, इसीलिए इतना विवाद फैलाए हुए हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान हुआ, ऐसे देश प्रेम अभियान के हम जहानाबाद जिला के शाम सफर है।